आप जो एमएलए विधानसभा अनुसूचित विधानसभा से कंटेस्ट कर रहे हैं, सर आपके बारे में बताइए और आपके क्या मतलब आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आरिफ कलीम उस्मानी। मैं एमएससी एमएड और एलएलबी कर चुका हूं और 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा से एमएलए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। मेरे अहम मुद्दे ये है कि अभी तक के जो भी सरकारें आई हैं और गई हैं, जो भी एमएलए रहा है और जो हारा है, उन्होंने जब पहली मर्तबा जीता है तब तो थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा जब जीते तो कोई काम नहीं किया। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे सिटिंग एमएलए का भी जो है, चीता कैंप के अंदर तो कोई काम नहीं है, चीता कैंप के बाहर बहुत सारे काम हो सकते हैं। नवाब मर्तबा जीते हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद में काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब इलेक्शन का दौर है तो सभी नेता जागते हैं, सभी जाग रहे हैं, कोई मुद्दे की लड़ाई करना नहीं चाहता है। और एम्प्लॉयमेंट की जो बात है या छोटे मोटे जो काम होते हैं, जरी का काम है, ये सब इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हाल बहुत बुरा है, इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है कि लोगों को जो है वो जिस तरीके से वो खाना चाहिए, जिस तरीके से उनको रहना चाहिए, उसमें तकलीफ़ आ रही है। तो ये जो मेन मुद्दे है, इस पर काम होने के लिए मेरा अहम मैनिफेस्टो में काम ये है कि अगर मैं आता हूँ तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, जो कि बेसिक नीड है चीता कैंप के डेवलपमेंट की, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान, एसआरए का डेवलपमेंट का प्लान, अच्छा घर और अच्छा विकास करने के नियत से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। असली मुद्दों को सामने लाना मेरा काम है और मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो करके दिखाऊँ। उसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोगों का विश्वास चाहिए और आपके विश्वास और साथ के बदौलत ही मैं इन कामों को जो है वो अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे अल्लाह पर भी पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी पहुँचाएगा। और मैं सिर्फ ये अपनी कम्युनिटी और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ मगर मेरा काम सबके लिए रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जो भी मज़हब के मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए मेरा काम रहेगा। क्योंकि नेता का असल काम क्या होता है वो मैं अमली तौर पे करके दिखाना चाहता हूँ, और जो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स जो हो चुकी है अभी तक की, उसको मैं चाहता हूँ कि साफ़ करके उसकी छवि जो है वो कुछ अच्छी बनाई जाए और अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसके मिसाल के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बग़ैर पैसा, बग़ैर रिश्वत के भी जो है वो आदमी पॉलिटिक्स में आ सकता है, गांधी जी का जो सिद्धांत है उस पर चल करके कुछ काम कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी सोच, जो गलत सोच पैदा हो गई है अवाम के अंदर कि अगर वोट लेना है तो पैसा देना है, इस सोच को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे इसमें इस्तेकाम अता करे और मैं तेज़ी से आगे काम करने के वाला बनूँ, ताकि वो अल्लाह ताला जो है मुझे, मेरा अकाउंटेबल है, मैं उसके लिए जवाबदार हूँ और जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और चीता कैम के और दूसरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के भाइयों से यही मेरी पुकार है कि कलम की निशानी को, पेन की निशानी को, 11 नंबर के निशानी के बटन को आप 21 तारीख को दबाइए और मुझे कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह मैं आप सभी का साथ दूंगा, आप सभी के प्रॉब्लम्स को आगे ले जाने की, असेंबली में उठाने की कोशिश करूंगा। और क्लस्टर डेवलपमेंट, छोटे लेवल पे जो मुद्दे हैं, नाले हैं, गटर है और दूसरे जो पानी के मसाइल हैं, उस पर जो है वो आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा और बढ़ चढ़ करके जो है वो काम करने की कोशिश करूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे झगड़ा तो आता नहीं है और गुंडागर्दी आती नहीं है, इसलिए मैं तो कलम से ही जो है वो अपनी बात रख सकता हूं, अपनी बात कर सकता हूं। अगर आपको थोड़ा भी दिल में ये बात महसूस हो रही होगी कि अगर मैं आपके काम आ सकता हूँ तो आप अपना कीमती वोट मुझे ही दें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।